स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लक्ष्मी पूजा के लिए किन सारे धूप सामग्रियों का आप इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ जो है किस तरीके से और कब कब जो है आपको धूप सेवा करना है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए जो है आपको जो धूप सामग्री इस्तेमाल करना है वो अष्टांग धूप अगर हो तो बहुत अच्छा है, दशांग धूप हो तो बहुत अच्छा है, द्वादशांग धूप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अष्टदश धूप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस जो है अपलोड है तो मैं कहूँगा आप लोग जो है एक बार चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि सारे के सारे धूप के ऊपर ना संपूर्ण जानकारी के साथ ये सारे वीडियो अपलोडेड है। क्योंकि वीडियोज़ अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं इन सारे विषयों पर तो उसके बाद अगर मैं इन सारे विषयों के ऊपर आलोचना करूं या सामग्री के बारे में बोलूं ना तो आप लोगों को भी समझने में आसानी होती है। तो ये जो सारी धूपों के विषय में मैंने बताया, अष्टांग धूप, द्वादशांग धूप, आप दशांग धूप या फिर अष्टदशांग धूप जो है आप माँ लक्ष्मी को कर सकते हैं, पर लक्ष्मी पूजन के लिए कुछ विशेष धूप करना जरूरी होता है। जैसे कि कमलगट्टे के बीज जो है वो आप धूप में कर सकते हैं, साथ साथ ये जो है धूप हवन में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो सारे सामग्री है ना जो आप धूप में कर सकते हैं, आप धूप हवन में भी इन सारी सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के सूखे हुए नारियल के जो छोटे टुकड़े होते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं धूप करने के लिए। जो घी है, गुड़ है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को जो है गुड़ और घी बहुत प्रिय है, उसके साथ साथ गुग्गुल बहुत प्रिय है, राल बहुत प्रिय है और कमलगट्टे के बीज जो है उसके धूप भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो आप इन सारी धूपों से माँ को धूप करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा और इंतज़ाम करने की आप कोशिश करिएगा। साथ में जो मैंने अष्टांग धूप के बारे में बताया है, द्वादशांग धूप के बारे में मैंने जो विस्तार से बताया, उन सारी सामग्रियों का भी आपको इस्तेमाल करना है। वैसे देखिए दोस्तों, घर की पूजा के लिए अगर आप कर रहे हैं, मतलब बहुत साधारण धूप सामग्री आप जुगाड़ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको राल लेना चाहिए, उसमें आपको गुग्गुल लेना चाहिए, आपको चंदन लेना चाहिए, आपको कपूर लेना चाहिए, उसके साथ घृत लेना चाहिए, उसके साथ साथ शर्करा लेना चाहिए, मधु लेना चाहिए यानी कि शहद जो है वो आपको लेना चाहिए, शर्करा यानी गुड़ लिया जाता है, आप शहद जो है वो आपको लेना चाहिए, उसके साथ साथ जो है आप जैसे कि जटामांसी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे जो अगरू जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरू जो है ना वो भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो अगरू काष्ठा आपको मिलता है वो आप इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर करिए। तो यही देखिए, ये 8 प्रकार के ही हो गए, राल हो गए, गुग्गुल हो गए, चंदन हो गए, कपूर हो गए, घी हो गए, शर्करा हो गए, मधु यानी शहद हो गए और अगरू हो गए। तो ये 8 प्रकार की धूप ये आप व्यवस्थित करके अगर जो है माँ को धूप करते हैं या फिर जो है धूप हवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ जो है आप नारियल के छोटे टुकड़े और कमलगट्टे जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप धूप हवन कर रहे हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, धूप सेवा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप निवेदन और धूप सेवा में कई लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि धूप निवेदन, धूप सेवा और धूप आरती में किन धूपों का मतलब सामग्री क्या एक ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, धूप आरती जो होती है वो मूल रूप से सुगंध के लिए होती है, तो उसमें जो है आप अगर चाहे तो केवल राल गुग्गुल का और जो चंदन अगरू का घी का इस्तेमाल करके ही आप जो है आरती करते, मतलब जो सुगंधित जितनी भी सारी चीज़ें ज़्यादा जिसमें सुगंधित होती है तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है अगर आप आरती करते हैं तो सही है। मतलब उसमें आप ये एक गुड़ वगैरह ये सब कुछ अगर नहीं भी डालते तो उसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों। आप जो है वो केवल राल गुग्गुल से भी कर सकते हैं, पर धूप निवेदन जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप षडंग धूप, अष्टांग धूप, ऐसे ही धूप जो है ना आप इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। धूप सेवा भी जब आप कर रहे हैं, धूप सेवा में भी जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है वो गुड़ घी का इस्तेमाल करना है, आपको जो है नारियल के जो छोटे टुकड़े होंगे उसका आपको इस्तेमाल करना है, कई लोग जो है सफ़ेद तिल जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर करना चाहें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूल रूप से जो है आपको 8 प्रकार के जो मैंने धूप आपको बताया वो आपको इस्तेमाल करना है धूप निवेदन के लिए या जो है धूप सेवा के लिए। आप आरती के लिए जो है केवल राल गुग्गुल से, अगरू से, चंदन से, घी से ही धूप करके आरती
कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। और कई लोग जो है बिल पत्र देंगे या नहीं, मतलब धूप हवन अगर कर रहे हैं तो उसमें बिल पत्र का उसमें आहुति देंगे या नहीं, इस बारे में कई लोग कह रहे थे। तो हाँ बिल्कुल दे सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। घृत मिश्रित करके बिल पत्र आप दे सकते हो, वो श्री पत्र होता है, माता लक्ष्मी को बिल पत्र बहुत प्रिय होता है। पर साथ में कोशिश करिए, साथ में आप कोशिश करिए कि कमल गट्टी भी जो है ना वो घृत मिश्रित करके आप धूप हवन कर रहे हैं या हवन आदि कार्य आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें देने के विषय में, तो इसी तरीके से जो है आपको धूप सामग्री का इंतजाम कर लेना है। मैंने बहुत सहज और सरलता से आप लोगों को बता दिया 8 प्रकार की धूप। आप इसके साथ साथ आप वीडियोस जो मैंने वीडियोस बनाए हैं धूप के ऊपर, उसे देखकर जो है और भी ज़्यादा सामग्रियां जो है ऐड कर सकते हैं। अब धूप सेवा के विषय में आते हैं कि धूप सेवा आपको किन किन समय करना है। देखिए दोस्तों, धूप सेवा जो है मैं हर बार ये कहता हूँ कि आपको मंगल आरती से लेकर जो है आपको संध्या आरती तक धूप सेवा करना है। मंगल आरती की एक धूप सेवा करके आरती हो गई, पूर्वाह्न की जो 10 बजे के भीतर जो है एक बार धूप सेवा करके आरती हो गई, उसके बाद जो है मध्याह्न यानी 12 बजे या फिर 1 बजे के भीतर जो है धूप सेवा करके आरती हो गई, उसके बाद जो है संध्या के समय धूप सेवा करके आरती हो गई। क्योंकि जो है संध्या के समय ही माता लक्ष्मी की आरती पूजन आदि हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि माँ की, क्योंकि आप अगर धूप सेवा कर रहे हैं तो उसमें आप माँ की जैसे विधिवत पूजा आरती वो होती है वो आप कर लीजिए, उसके बाद जो है उसके बाद 8 बजे के पहले या फिर जो है 8 बजे ही आप कर सकते हैं, 8 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, कम से कम जो है 9 बजे के भीतर कर लेना चाहिए। वैसे तो 8 बजे के भीतर ही से करना चाहिए, पर ठीक है दीपावली की रात्रि है तो आप 9 बजे के भीतर भी इसे कर सकते हैं, 9 बजे के भीतर भी जो है आप जो चौथी धूप सेवा है उसे आप कर सकते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, प्रथम जो है वो मंगल मुहूर्त में हो गया, सुबह के समय आपको करना है। मंगल मुहूर्त का मतलब होता है जब सूर्योदय का समय होता है, एकदम सूर्योदय के एकदम पहले पहले जो समय होता है उसका जो समय होता है वो मंगल मुहूर्त होता है, उस समय आपको धूप सेवा करना है। आपको पूर्वाह्न यानी कि 10 बजे के भीतर आपको एक बार धूप सेवा करना है, आरती करना है। मध्याह्न के समय 1 बजे के भीतर एक बार सेवा आरती करना है, और जो है 9 बजे से पहले आपको एक बार सेवा आरती करना है। पूजा आरती अर्थात माँ की जो पूजा आरती ये सब कुछ होगी वो अलग है, सेवा के साथ उसे मत मिलाइए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि पूजा के समय पूजा करके आरती कर दिए उन्होंने, तो वो सोचते कि हमें अलग से जो है सेवा की आरती या फिर धूप सेवा करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अगर सेवा कर रहे हैं चाहे आप भोग सेवा भी क्यों ना करें, पूजा के समय जो आप भोग देंगे वो पूजा के समय का भोग होगा, सेवा का भोग जो होगा वो अलग होगा। तो धूप के विषय में भी वही विषय लागू होता है, धूप के विषय में भी कोई अलग विषय लागू नहीं होता है। पूजा के जो वो नैवेद्य होंगे, जो भोग होंगे वो केवल पूजा के होंगे, सेवा के जो भोग नैवेद्य होंगे वो सेवा के होंगे। तो आप अगर सेवा कर रहे हैं तो आपको 4 बार करना ही होगा। पूजा के विषय जो है उसके साथ सेवा के किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, वो एक स्वतंत्र क्रिया है। पूजा जो है संध्याकालीन जो पूजा आरती आप करेंगे माँ के विधिवत रूप से वो एक स्वतंत्र कार्य है, और धूप सेवा जो कार्य है वो एक पूरे दिन का दिनचर्या आप बोल सकते हैं माता लक्ष्मी के साथ या लक्ष्मी नारायण के साथ। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, हर बार जो है आपको धूप सेवा करने के समय जो है आपको आरती जरूर करना है, धूप दीप से आपको आरती जरूर करना है। आरती के बिना सेवा नहीं होती, भोग सेवा करे धूप सेवा करे कोई भी सेवा आप करे आरती के बिना जो है ना वो संपूर्ण नहीं होती है। तो घी के पंचदीपक या तिल के तेल के पंचदीपक से और तुलसी धूप से जो है आपको आरती जरूर करना चाहिए। और धूप सेवा जब आप कर रहे हैं दोस्तों तो उसमें आप एक थाली में ही धूप को देने की कोशिश करिए, थाली के ऊपर ही जो है आप धूप जो दानी है यानी कि जो धुनची पात्र है उसे रखकर जो है आप लक्ष्मी नारायण के सामने रखिए। धूप हमेशा जो है धूप सेवा के लिए जो धूप आप देंगे उसे हमेशा कलश के एकदम सामने रखना चाहिए, उसे किसी साइड में नहीं रखा जाता, ये संपूर्णता से सामने रखा जाता है। धूप सेवा के जो धूप होते हैं वो एकदम सामने रखा जाता है क्योंकि ये नैवेद्य धूप होता है। सेवा के जैसे भोग आदि चढ़ाए जाते हैं ना, तो वो भी एक तरीके से सेवा के भोग होते हैं। और धूप सेवा जब आप कर रहे हैं तब किसी भी प्रकार का कोई वाद्य
नहीं किया जाएगा, उस समय आपको अपनी श्वास को भी रोक लेना है 20 सेकंड के लिए, और उसके साथ साथ जो है मौन रहकर मन ही मन धूप जो है भगवान को निवेदन करना होता है। और उसके बाद जो है आपको एक अलग धुन जी इसे और पंच दीपक से जो है आरती करना चाहिए। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आपको दोनों धुन जी रखना चाहिए, क्योंकि जिससे आप धूप सेवा करेंगे उससे आपको आरती अगर ना करना पड़े तो ही ज़्यादा अच्छा है। कई लोग ये कहते हैं कि क्या हम मिट्टी के पात्र में धूप सेवा नहीं कर सकते? हाँ कर सकते, पर उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं होगा। फिर आपको जो है ना हर बार के लिए अलग अलग जो है मिट्टी के धुनजी पात्र लेने होंगे, मतलब सुबह के अलग होंगे, पूर्वाह्न के अलग होंगे, मध्याह्न के अलग धूप पात्र होंगे, और जो संध्याकालीन या रात्रिकालीन आप जो भी बोल लीजिए वो धूप पात्र जो है वो अलग होगा। तो चार जो मिट्टी के धूप पात्र आपको लेने होंगे, और पीतल के अगर कर रहे हैं तो हर बार जो इसे धोकर इस्तेमाल कर सकते, पर दोनों धुनुची में जो है धूप सेवा करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी प्रकार से जो है आपको धूप सामग्री और जो धूप सेवा आपको जो है वो करना है, धूप दीप आरती ज़रूर करना है। धूप सेवा अगर आप कर रहे हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है, और धूप सेवा की आरती और पूजा की आरती जो है वो पूर्णता से अलग होगा। मैंने ऑलरेडी जो है पूजा उपचार विधि में किस तरीके से धूप दीप निवेदन करके आरती करते वो मैंने आपको बता दिया है, उसी प्रकार से आप आरती करिए। पंच निराजन करना चाहते तो भी आप कर सकते हैं। मूल रूप से जो है आरती में आपको जो धुनुची है वो इस्तेमाल करना है, धुनुची धूप इस्तेमाल करना है, पंचदीपक या सप्तदीपक आप इस्तेमाल कर लीजिए, उसके साथ चांबर जो है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर जो है आप जलपूर्ण शंख से पुष्प से भी आप आरती कर सकते। तो इसी प्रकार से जो है आपको वो धूप सेवा करना है और आरती करना है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ दोस्तों, पूजा की आरती जो है वो एक स्वतंत्र क्रिया होगी, पूजा एक स्वतंत्र क्रिया होगी, सेवा जो है वो एक अलग विषय है। तो सेवा के साथ आपको पूजा को मिलाना नहीं है। अगर आप पूजा में आरती आदि करते हैं तो सेवा जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेवा जो है वो अपने क्रम से चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों को दिया वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।